सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में बना हुआ ये है बहुत ही हेल्दी नाश्ता, और इसे हमने बनाया है लौकी से, तो हो गई ना सुपर हिट रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, देखते ही आपको लग रहा होगा ना कितना डिलीशियस है। तो मज़ेदार रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अगर आप भी मेरी तरह हेल्दी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी है आपके लिए। आज मैं लेकर आई हूँ सिर्फ 2 चम्मच तेल में बना हुआ लौकी और रवे का बहुत ही डिलीशियस स्नैक। 18 साल गुजरात में रही हूँ तो वहाँ की रेसिपीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो उसी टच की ये रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए मिलके बनाते हैं। तो इसके लिए एक बोल में हमने ये 3/4 कप रवा यानी कि सूजी ली है। तो रवा आप मोटा या पतला कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ में हम 1/4 कप बेसन इसमें ऐड कर रहे हैं, और अब हम इसमें 1 कप बारीक घिसी हुई लौकी ऐड कर रहे हैं। तो लौकी आप फ्रेंड्स बहुत अच्छी क्वालिटी की चूज़ कीजिएगा, अगर उसमें बीज हैं तो बीज आप रिमूव कर दीजिएगा। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें ये 1/2 कप फ्रेश कर्ड दही ऐड कर रहे हैं, साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें 1/4 टीएसपी हल्दी पाउडर, 1/4 टीएसपी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीएसपी ही धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। यह हरी मिर्ची ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से, और 1/4 कप हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और ये मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि लौकी काफ़ी पानी रिलीज़ करती है। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच ही ये अजवाइन है थोड़ा क्रश करके ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से सोख हो जाए। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, रवा अच्छे से सोख हो गया है, और इधर हम अपना स्टीमर भी तैयार होने के लिए रख देंगे। और साथ में अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसके साथ ही 1/2 नींबू का रस, और 1 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, तो इसका खट्टा मीठा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और सब चीज़ों को मिक्स करते हुए अब हम इसमें बहुत कम पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/4 कप। तो फ्रेंड्स, किस हिसाब से सूजी ने पानी सोक किया है और किस हिसाब से लौकी ने पानी रिलीज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। देखिए, इस कंसिस्टेंसी का रखना है हमें। और अब मैं इसमें 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, एक्टिवेट कर लेते हैं 1 चम्मच पानी से। ये काम हम एकदम एंड में करेंगे जब हमें इसे स्टीम करने के लिए रखना होता है। और अब मैंने देखिए ये एक बेकिंग डिश ली है, इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके का कोई स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, कटोरा टाइप का। और अब हम बैटर को इसमें पोर कर लेंगे। तो देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, जैसा मैंने बोला ढोकले से थोड़ा हमें इसको गाढ़े की तरफ ही रखना है। हल्का सा हम इसे टैप कर लेंगे, और इधर हमारा स्टीमर एकदम तैयार हो गया है। धीरे धीरे देखिए इसमें पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए फ्रेंड्स, तभी हमें इसमें रखना है इसे। और अब हम इसे देखिए इस तरीके से रख लेंगे, और पूरे 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको हम स्टीम होने देते हैं। तो पूरे 20 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए टूथपिक से मैं चेक कर रही हूँ, बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रहा है, यानी कि परफेक्ट ये हमारा स्टीम हो गया है। तो निकाल लेते हैं, और रूम टेम्परेचर तक आने तक हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो लीजिए ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो एक चाकू की हेल्प से इस तरीके से साइड से हम इसको रिमूव कर लेंगे, और अब एक प्लेट में हम इसे हल्का सा टैप करते हुए निकाल लेंगे। इजीली निकल जाता है क्योंकि हमने इसे अच्छे से ग्रीस किया था कंटेनर को। देखिए कितना बढ़िया, कितना जालीदार हमारा ये हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। कोई कह नहीं सकता ये लौकी से बना हुआ है। कट कर लेते हैं। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट है। तो मनपसंद साइज़ में, मनपसंद शेप में आप इसे कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे इस वक्त भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। देखिए मैं दिखाती हूँ कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट ये बनके तैयार हुआ है। तो अब इसे क्रिस्पी होने तक हम सब तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, साथ ही में मैं इसमें 1/4 टीएसपी हींग ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच सरसों के दाने, राई, कुछ कड़ी पत्ते 8 से 10। हल्का सा हम इसको फ्राई होने देते हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची। तो 8 से 10 हरी मिर्ची हैं, छोटी वाली हैं, और हरी मिर्ची आप स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल हैं,
इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। एंड में डालेंगे हम तिल, क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। और अब इसमें जो हमने नाश्ता बनाया था वो हम इस तरीके से सब तरफ से हम क्रिस्पी होने तक कुक कर लेंगे। चेंज करते जाएंगे साइड्स को ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और देखा आपने कितने कम ऑयल में ये बनके तैयार हो जाता है। इतनी आसान रेसिपी है, हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये स्नैक। आप इसे स्टार्टर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स कैसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये हेल्दी रेसिपी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।